इस वक्त हम मौजूद हैं देवास स्थित प्रसिद्ध माता तुलजा और चामुंडा टेकरी पर, जहां पर आज से शारदीय नवरात्र का पर्व प्रारंभ हुआ है। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले ही दिन मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से बड़ी संख्या में भक्त माता के द्वार पर पहुँचे हैं। माता चामुंडा और तुलजा का ये जो है रक्तपीठ कहा जाता है और काफ़ी जो है आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। देवास के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आज ही पहुँच रहे हैं और अगर 9 दिनों की माने तो 9 दिनों में जो है लाखों की संख्या में भक्त माता तुलजा और चामुंडा के दर्शन करने के लिए देवास की माता टेकरी पर पहुँचेंगे। बात अगर की जाए तो माता तुलजा और चामुंडा के बारे में मान्यता है कि माँ अपने भक्तों की मुराद अवश्य पूरी करती है और किसी भी भक्त को इस स्थान से खाली नहीं जाने देती। और नवरात्र के पहले ही दिन जो है जन सैलाब उमड़ रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर माता चामुंडा टेकरी पर तैनात हैं, CCTV कैमरों से नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने माकूल इंतजाम भी किए हैं और देवास स्थित माता चामुंडा और तुलजा टेकरी पर लगातार भक्तों का आना जारी है। 24 घंटे 9 दिनों तक ये मंदिर खुला रहता है, ये भी इसकी विशेषता है। और 9 दिनों में जो संख्या है वो लाखों के पार पहुँचती है। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़।